Hold up. Hey, Shachan will a better episode. Hold up. Shachan with it every day. Namaste, Assalamu Alaikum. This is Kuka back in it again with a new video. So, guys, आज हम लोग बात करेंगे मेरा न्यू व्लॉगिंग कैमरा G7X Mark II. आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे को व्लॉगिंग में थोड़ा तकलीफ होती है, मतलब मुझे कैमरा तो है DSLR बट मेरा ऑटो फोकस में बहुत तकलीफ होती है. तो मैंने सोचा कि G7X Mark II का कैमरा खरीदूँ, तो मैंने अदला से G7X Mark II कैमरा ले लिया है. तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ही कुछ उसका अनबॉक्सिंग कर देंगे. इतना प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग नहीं बट थोड़ा क्विक अनबॉक्सिंग अपन करेंगे अभी. चलो अनबॉक्सिंग करते हैं. अरे मैं इसको चाकू से फाड़ देता हूँ. कैमरे के बारे में आपको मैं बता देता हूँ. कैमरा 20.1 मेगापिक्सल कैमरा है, f/1.8 to 2.8 लेंस. इसमें वाईफाई सर्टिफाइड है. आप वाईफाई से डायरेक्ट इस कैमरे से आपका डेटा जो मोबाइल में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो. कोई USB कॉर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वाईफाई कनेक्ट करके आप वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो. जैसे आप ये बॉक्स खोलोगे तो आपको मिलेगा ये वारंटी कार्ड. 2 ईयर्स का वारंटी कार्ड है. देन आपको मिलेगा ये बिल के बारे में बाद में बात करेंगे अपन. देन मिलेगी छोटी सी बुक जो कभी कोई पढ़ता नहीं. देन आपको मिलेगी ये छोटा सा कैमरा हैंडल करने के लिए रिबन. देन आपको मिलेगी ये कॉर्ड जो चार्जर के लिए लगाई जाती है. देन आपको मिलेगी छोटी सी बैटरी, 1250 mAh की बैटरी. देन आपको मिलेगा ये 16 GB वाला मेमोरी कार्ड, अल्ट्रा सैंडिस्क. देन ये रहा अपना कैमरा. देख सकते हो कैसा कैमरा बना है यार. परफेक्ट है लॉगिंग के लिए कैमरा है. इसे फ्रंट फेस करके आप ये डिस्प्ले ऐसा टिल्ट कर सकते हो किसी भी तरह से. तो ये थी छोटी सी अनबॉक्सिंग. ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करूँगा. बेस्ट कैमरा है लॉगिंग के लिए, बेस्ट कैमरा, अब तक का बेस्ट कैमरा है. इसका कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ. एक कैमरा मुझे मिला 39,270 रुपीज़. कैमरा एक्चुअली 30,000 का बट मुझे 28% GST लगा. GST मतलब 9,000 GST लगा मुझे. अभी मैं 700D से शूट कर रहा हूँ. अब इसके बाद का जो शूट होगा वो मैं कैनन G7X Mark II से करूँगा. तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए मुझे आपको क्लियरिटी कैसी लग रही है, मतलब कैनन की, मतलब इसका क्वालिटी कैसा लग रहा है, वीडियो क्वालिटी. आप मुझे कमेंट करके बताओ, ज़रूर कमेंट करना. तो दिस इज द क्वालिटी. आपको कुछ फ़र्क लग रहा होगा, आई एम श्योर आपको कुछ फ़र्क तो दिखाई देगा होगा. इसके पहले मैं एक कैनन 700D से शूट कर रहा था. इसका ऑटो फोकस में बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है. इसका जो लेंस है तो कट 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 आवाज़ आता है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा शूट नहीं करता हूँ. मोस्टली मैं पहले तो अपना iPhone 6s से शूट करने का, मेरा iPhone 6s से मुझे बहुत तकलीफ होने लगी बाद में. तो मैं सोचा कि G7X Mark II ले लूँ, तो मैंने ले लिया. तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ आपको ये क्वालिटी कैसे लग रही है. हाँ, मैं आपको और एक चीज़ बताया था.
मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक गिफ्ट दिया था और मैं आपको दिखाने भूल गया, तो मैंने ओपन किया नहीं है अब तक। सोचा कि आपके ही सामने क्यों ओपन ना कर लूं। थोड़ा इसको मैं क्या बात है यार, रिद्धि ने मैं देखिए मेरा स्केच यार। इस स्केच मुझे एक सब्सक्राइबर ने दिया है, उसका नाम है रिद्धि करके नाम है उसका। बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है वो, मतलब स्टिल लर्निंग, बट कोई भी स्केच आपको निकालना है, कोई भी स्केच वो निकाल के देगी आपको। उसके चार्जेस तो आप उसके साथ ही जाके बात कर सकते हो। मैं उसका इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे दे दूँगा, यहाँ पे दे दूँगा, आप जाके उसको फॉलो करो। आपको भी ऐसी स्केच चाहिए या किसी को बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, वेडिंग में, मतलब कभी भी आपको किसी को भी गिफ्ट करना है, तो आप जाके उसको कॉन्टैक्ट करो, उसको मेरा नाम बताओ, मेरा रेफरेंस दो, आपको डिस्काउंट ज़रूर देगी हो, वो आपको दो तीन दिन में रेडी करके दे देगी। आप जाके उसको बात करो, आपको स्केच बना के दे देगी वो। मतलब इतना कुछ कॉस्टली नहीं है, जो आपको मार्केट में प्राइस मिलती है वो काफ़ी कॉस्टली मिलती है, तो आप जाके उससे बात करो, आपको बहुत सस्ते में वो मिल जाएगी। तो जाओ उसको कॉन्टैक्ट करो, यहाँ पर मैं उसका आईडी दिया है, चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दे दूंगा, तो आप जाके उसको कॉन्टैक्ट करो और इस तरह का स्केच बना के ले दो। देखो एकदम फिनिशिंग, देखो एकदम परफेक्ट, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो यही आज के लिए एक छोटा सा वीडियो था, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक बटन दबाने भूलना नहीं। आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जाके सब्सक्राइब करो पहले। टिल देन स्टे सेक्सी हबीबी।